ये देखें फ्रेंड्स, काफी प्यारा है वैसे शोमी का फोन भी। हम कैमरे वगैरह यहाँ पर हैं, ये देखें ये कितना किस भी कुछ है, एक भी नहीं है, ऐसी चल रही है। आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं ये खा। तो फ्रेंड्स, पिछले एक वीक से चाइनीज न्यू ईयर चल रहा है जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, और ये इनके लिए एक ईद भी है। तो आज इनका लास्ट डे है। तो हम भी आए हुए थे एक पार्क के अंदर, यहाँ पर काफी ज्यादा रश है, सारे लोग एंजॉय करने आए हुए हैं। तो हमने कहा हम भी एंजॉय करते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ का मौज। ये देखें फ्रेंड्स, बाकी लोग भी अभी लाइन लगे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी के लिए। हमने भी टिकट ले लिया, इसके बाद फिर हम भी यहाँ पर लाइन लगेंगे। तो अभी तो ये देखें कितनी काफ़ी बड़ी लाइन है, तो इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं। हमने सोचा कि वीडियो बना लें। फ्रेंड्स, ये काफ़ी डेंजरस है और मज़ा भी उतना ज़्यादा आता है जितनी डेंजरस हो। हाँ तो देखें ये व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पे बहुत मुस्लिम फैमिली आई हुई है। मुस्लिम फैमिली यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं मुस्लिम, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ कि यहाँ पे मुस्लिम भी होते हैं हमारे सिटी में, कुछ ना कुछ मुस्लिम भी हैं। ये गेम हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं खेली हुई और ना ही आज खेलने का मूड, इसलिए हमने कहा चलो आपको ये दिखा दें। फिर भी ये एक बच्चे खेल है, चलो देखते हैं कितनी देर खेलते हैं, इसका निशाना कैसे है। देखें ये लगता है ऐसे कि जैसे ये ऑटोमेटेड डोर लगे। देखें इन लोगों को, देखें ये पैडल नहीं चलाए तो अब ये पैडल बनना शुरू कर दिया इसने, जब पैडल। ये देखिए ये हमारे एक चाइनीज दोस्त है, ये हम लोगों के लिए टिकट लेने लगी है। ये देखिए ये अली पे क्यूआर रीचार्ज से ये पेमेंट की जाती है और ये इस टाइप की टिकट है। ये कपल ये इस पे यंग आया है, ये खुद वहाँ से हमने बह करना होता है, वहाँ से बह करने के बाद ये पेंट पोया हुआ है, यहाँ से पेंट पे हो अपने डिज़ाइन का, जो आपको दिल कहे जैसा रंग आपको दिल कहे वैसा आप इस पे लगाओ। ये देखिए ये एक लड़का बनाया है, ये पता नहीं ये कौन सा स्पाइडरमैन है, कुछ और है ये स्पाइडरमैन है। कुछ लोगों को ना ये क्या कहते हैं आर्ट का बहुत शौक होता है, तो वो घर पे भी कहते हैं तो यहाँ पे भी अपना हुनर दिखाने के लिए आ जाते हैं वो लोग। ये देखिए ये लोग सब अपना अपना अपने स्टाइल से बना रहे हैं कुछ ना कुछ। ये इसका देखें ये लाइट कलर लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है इसको, ये देखें। अच्छा गाइस, ये देखें ये एक शायद कोई और गेट है इस तरफ से, ये देखें बहुत आवाम आने लगी है, तो हमने कहा चलो हम जाके देखते हैं। आज तक अब हम यहाँ कभी नहीं गए, तो सोचा कि आज हम भी जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा गाइस, ये पार्क के साथ साथ वाली ये अपार्टमेंट्स ये बिल्डिंग्स वगैरह देखें, जिसका जस्ट इमेजिन करें कि जिसका घर फुल टॉप फ्लोर पे हो और वो डेली यही व्यू देखता हो, इतना प्यारा व्यू, उसकी क्या लाइफ होगी। हाँ कब लेना है आपने यहाँ पे अपार्टमेंट भाई? अल्लाह पैसे दे दे फिर ले रहा हूँ यार। फेसबुक ये यूट्यूब की फर्स्ट इनकम से इंशाल्लाह यहीं पे अपार्टमेंट लेना है, क्या कहते हो? बहुत गैस, मेरा अंदाज़ा ठीक निकला है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि इस तरफ से बहुत सी आवाम आ रही है, तो ये कोई ना कोई गेट हो सकता है। तो ये देखिए गेट पर हम आ गए हैं अचानक, ये हम पहली बार देखें इस गेट को, हम कभी नहीं आए इस गेट पर पहले, ये ना ही रोड किस तरफ हम कभी आए हैं। इसके बैक साइड भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा तो जैसे कि हम आ चुके हैं इस गेट के साथ ही, तो गेट के सामने ही है एक डीएल प्लाजा, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी मतलब कि अच्छी जगह है, तो हमने सोचा कि चलो आपको वहाँ ले जाते हैं, वहाँ का माहौल दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये ना ये पाकिस्तान स्टाइल है कि पार्किंग की जगह थी उसे इन्होंने अपना वो बना दिया है, बस एक किस्म का फूड स्ट्रीट बना दी छोटी सी। ये देखिए कितनी तंग सी जगह है।
ये देखें छोटे छोटे चूहे, और यहाँ पर भी शौकीन है जो चूहे वगैरह लेने के। तो फ्रेंड वेलकम बैक हो गया सबका, और हम पहुंच गए इंडियन प्लाजा। यहाँ पर ये देखें आज काफी ज्यादा रश है, तो फिर चलते हैं अंदर। देखें आईफोन 15 सागर, तूने आईपैड लेना है? नहीं नहीं देखना अभी भी इनका वही काम है। लुक काफी प्यारी है वैसे। फ्रेंड्स मेरा ये एक ड्रीम है कि मैंने ना पाकिस्तान में ये लेकर जाना है, तो काफी कूल है। हाँ साकिब जी, जी आपका देख रहा है, मैंने कहा आ जा तू बैठ जा, तेरी भी तस्वीर बना देता हूँ। एक छोटे बच्चे हो क्या ये, तो मैं देख तो रहा है कब का बच्चे तस्वीर बना रहे हैं, तू भी देख रहा है उनके बच्चे के साथ बना, घुल मिल जाता है, अच्छा लगता है यार, काफी क्यूट बच्चे हैं ये, देख तो सही। काफी प्यारा है वैसे शोमी का फोल्ड भी। आज कितना ज्यादा है यहाँ? तो फ्रेंड्स हम आ गए शोमी स्टोर के ऊपर, ये देखे साकर ने पहले उठाया हुआ है। क्या कहा आपने? शोमी स्टोर। ओ भाई सैमसंग से ये बेस सैमसंग का मैं दिखाने आया हूं। अच्छा हां, सॉरी सॉरी सैमसंग का। S24 न्यू लीड हो। ओ सॉरी सॉरी यार तुझे भूल गया था। शोमी समझ वो अल्ट्रा ना, अब ये लड़की चला ये छोटी बच्ची, तो मैं सोचा जो इसमें चेंज है S24 अल्ट्रा फुल अल्ट्रा में पहले वो दिखा देता हूं। हां तो देखो इसमें एजेस देखो, इसके वाजे हैं विजिबल है फ्रंट पे, और इसके बैक पे भी देखो एजेस विजिबल है, लेकिन ये 24 अल्ट्रा में नहीं है, मैं अभी आपको ये फोकस करके दिखाता हूं। और बाकी इसमें जो है ना इसमें AI इसमें आ चुका है, अब सैमसंग AI को आप कहते हैं। इसका फायदा ये है कि आज के हम बोले हैं चाइना से, और हम चाइनीज लैंग्वेज में बोलते हैं, अकीलत में बोलते हैं, अगले बंदे को हमारी समझ नहीं आती, तो ये अगले बंदे की सेटिंग के मुताबिक जाके उसके पास निकला के आवाज़ हमारी पास जाएगी, अकीलत में बोलेंगे उसको चाइनीज करने जाएगी, वो चाइनीज में बोलेगा इसमें। ये मैंने आपको बताया था इसके एजेस वगैरह बिल्कुल उन्होंने खत्म कर दिया है, एजेस देख ले, एजेस नहीं है, ये बॉडी में उन्होंने चेंज डाल लिया है इस चीज़ की, और बैक देखें बैक भी इन्होंने एज खत्म कर दिया है, बैक पे भी अब इन्होंने एज खत्म किया है, और इस कलर में ये वैसे लग भी काफी प्यारा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वो जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ना टच की फीलिंग चेंज हो चुकी है, क्योंकि इसका अब वो शीशा नहीं है, अब पेपर टाइप फील होता है, मुझे नहीं पता कि बहुत यही हो सकती है कि चाहे ये टूटने के चांसेस कम हो जाए, बट ये देखिए काफ़ी फास्ट है ये, वो तो ये तो आपको पता ही है सैमसंग का मॉडल फास्ट ना। तो इसका मेन जो है ना हमने कैमरे का रिजल्ट चेक कर लिया होता है, ये देखें इसके कैमरे का रिजल्ट देखे, ये मैं इसको जूम करता जा रहा हूँ, उसकी क्लैरिटी देखे बिल्कुल ही धुंधला उसमें बंद हो ही नहीं रहा, ये देखो यार कितना क्लियर है, 680S पे तक मतलब बिल्कुल क्लियर 80X तक। अच्छा तो आपने भी देखा रिजल्ट, मैंने भी देखा, या आप क्या कहते हो इसका रिजल्ट क्या, इसका अच्छा है या iPhone 15 को मैच का अच्छा है? यार वाकई मुझे भी ना आज ये अच्छा, मैं खुद iPhone यूज़ करने वाला हूँ जब मुझे iPhone अच्छा लगता है, लेकिन ना आज मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसका कैमरा जो है। तो अच्छा मैं तो खुद हूँ भाई सैमसंग यूज़र, और मुझे सैमसंग जैसे कहते हैं मोहब्बत, तो मैंने तो यही कहना है कि सैमसंग का रिजल्ट अच्छा है, आप लोग बताइएगा आपको किसका ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं हम कैमरे वगैरह यहाँ पर हैं, ये देखें ये कितने कीमती ड्रोन पड़े हैं यहाँ पर,
यार इसका रिजल्ट भी तो होगा फिर ये देखिए कितना इसे देख ये कितना बड़ा है यार ड्रोन मुकाबले में बस ये इसकी बस शेप इतनी बढ़िया है इसके अंदर ना बैटरी वगैरह बड़ी लग सकती हैं इसकी रेंज बहुत ज्यादा है हाँ पर कैमरे वगैरह भी पड़े हैं काफी अच्छे से तो ये छोटे से जो मोबाइल है ना ये दिखाते हैं बड़ी कंपनी सारे देखते होते हैं छोटे कंपनी कोई फोकस नहीं ओप्पो का एक मॉडल है ये देखे कितने का है 1600 जोन का है और ये बॉय प्लस बॉय एन जी बी एम है प्लस कौन सा बॉय एन जी बी रोम है तो इसको देखो यार बहुत कम है यार हाँ यार ये दूसरी कंपनियां जो है ना इनके सस्ते होते हैं और हम बस सैमसंग या आईफोन बस इसी पर लगे हुए हैं इनका रिजल्ट भी अच्छा है वैसे तो सही है इसका भी तो उसकी प्राइस के हिसाब से तो और ये वाला मॉडल देखना ये मुझे काफी प्यारा लग रहा है इसकी बैक दिखाना बैक भी प्यारी लग रही है मैं बैक तो देख के अच्छा कैमरा दिखाना इसका इसका बहुत लेवल का है ये तो वो ऑटोमेटिक मशीन है ये तो आजकल पाकिस्तान में मिलते हैं ये तो मेरे अपने घर पे भी आए हमारे काले मित्र हैं इस टाइप के और मेरे घर इस ये वाली है टायर वालों की और फिर आगे चलते हैं कैसे ये क्या है इसके अंदर स्पीकर लगे हुए हैं क्या ये ओरिजिनल है या वैसे ऐसे पड़ा है बस साके आप क्या लगता है ये क्या होगा मुझे तो दूध तो वैक्यूम कर लेना है इसको फोकस करना फोकस करना मुझे ये स्पीकर है भाई स्पीकर लेना नहीं है यार स्पीकर है ये देखो हां हां स्पीकर है वाकई यार इसकी धुप काफी अच्छी है हाँ बहुत प्यारा है बहुत प्यारा है मे भी बहुत अच्छी है अभी तो लगा इसकी वाइब्रेशन है तो रेफ्रिजरेटर ये देख यहाँ पर इतने बड़े बड़े खड़े हैं यहाँ पर ये देखते हैं और अलमारी नहीं होती ये उसी तरह गया है ये ना जो हम पाकिस्तान में रिवाज इतना बड़ी ईद पे बस बकरा कुर्बान करें और सारा का सारा ना यहाँ पर रखते इतना बड़ा ये देखिए ऊपर वाला इसका पोर्शन जो है ये पूरा साग भी इसके अंदर आ जाए साकिब ये क्या देख रहा है तू ये रेजर है कोई प्रेस ही का ये इलेक्ट्रिक होगा मे भी ये भी 990 तकरीबन 40,000 का हां ये देखो 50 यार इसके रेजर के अंदर ऐसी क्या चीज है ओ मे भी आ ये सफेद नमूने से दाई जैसे लोगों के लिए बनाए हां मारने मुंह पे चली गए साके मारने मुंह पे नहीं भाई नहीं सफा का जगह ये पिक्चर की हिसाब ना ये चीज बहुत जबरदस्त है पता है कैसे इसमें बर्तन आप डाल दें और ये खुद उसको सफा करके आपको दवा दे हां ये देखें साफ हो भी रहे हैं इसके अंदर पड़े हैं हाँ ये देखें ऐसे बर्तन डालने हैं उसके ऊपर ढक्कन देना है और ये फिल्टर प्लांट पड़े हैं साके अच्छा ये फिल्टर देख मैं पाकिस्तान में ये है 3000 युआन का 4000 युआन का 1,20,000 तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन ये 30,000 के लगभग स्टार्ट होते हैं 30-40,000 के वहाँ सस्ते हैं यहाँ पर महंगे हैं नहीं ये तो बहुत हाई क्वालिटी के लग हैं उनके तो वो बहुत हल्की क्वालिटी के महंगे हैं कम से कम मैं बता रहा हूँ कि ये 3,000 से 30,000 से स्टार्ट होते हैं तो महंगे के ठीक है हाँ ये भी है हल्की हल्की क्वालिटी है 3,000 कितना साफ किया भाई ये बोल ये देखिए कितना पानी साफ हो चुका है ये देखिए इतना पानी साफ हो चुका है यहाँ पर डेमो करके दिखा रहे हैं ये
साकिब किस तरफ जा रहे हैं आप? तो यहाँ पर ये देखें कितने कितना स्मूथ इनका ये वो है रिजल्ट इनका कूल। कैमरे में तो इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा लेकिन ना फिजिकली हम जो देख रहे हैं ना ये देखिए ये गेमिंग के लिए यार कितनी स्मूथ है ये इसे देखें मजा आ रहा है। चाइना में ना वो चाय तो होती नहीं है यहाँ पर होती है डिफरेंट किस्म की वो कॉफी वगैरह होती है तो ये देखिए कॉफी मेकर है काफी एक्सपेंसिव और काफी खूबसूरत है ये डिफरेंट क्वालिटीज की पड़ी है यहाँ पर। ये देखे डेमो के लिए ये चीजें भी पड़ी हैं यहाँ पर डेमो करके दिखाते हैं रश देखे कितने मुझे खाने पे लगे हुए हैं ये क्या है पहुंच गया है यहाँ पर ना होम अप्लायंसेस डिफरेंट ऐप्स पड़े हैं तो आपको दिखाता हूँ ये देखें ये तो डेकोरेशन पीस हैं बस इसके अलावा ये देखें ये क्या खूबसूरत है जैसे हमारी को रोटी देखने के लिए नहीं होती हाँ तो यूज़ किया जाता है लेकिन तो रेट क्या है ये देखिए तो सस्ते हैं हाँ ये देख ये ड्राई फ्रूट के लिए आए ये देखिए ये ड्राई फ्रूट के लिए है ये देखिए ये ना वो छोटे छोटे जो ना शराब वगैरह पीने के लिए होती है इनके नहीं ये सिर्फ नमूने के लिए होंगे यार नहीं कितनी शराब आएगी हाँ तो वो ये देख ना वो उसके से वो नहीं करते हाँ ये देख उसके लिए इतने तो होते ही हैं फिर भी इतना बड़ा गिलास हाँ तो यार यही होती है बस छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए छोटे बड़ों के लिए बड़े हाँ कौन नहीं पीता ये तो केमिस्ट्री के लिए बाटल में नहीं होती है हाँ ये स्टेशनरी का सामान है ना इन बच्चों को देख के ना मुझे भी याद आ गया कि हम भी बचपन में अपने वालदैन को लेके जाते थे भी हमने पेंसिलें वगैरह लेनी है तो ये हॉरर मूवीज में नहीं होती ऐसे जो घूम रहे होते हैं हाँ। वैसी वाइज ये देखिए कितना प्यारा है इसमें तो कोई ट्रैक भी नहीं है ऐसे ही चल रही है बिल्कुल गोल गोल चलो इसमें तो है ट्रैक हमें लगती है ये कैसे चलेंगे सीधी इसके नीचे ना मकनातीस वगैरह होता है उसकी वजह से मैग्नेट है क्या हाँ ऐसी चीज़ है ना मुझसे पूछा गया तो ये देखिए इसकी बैग में क्या बात है बड़ा कूल है यार ये फाइनल तो फ्रेंड्स ये है इसके अंदर ना तो बॉडी वॉश या शैम्पू वगैरह डाल देते हैं और ये इलेक्ट्रिक है इसका नीचे ऐसे हाथ करेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का है हाँ तो ये क्या है क्या चीज़ ये ना हमें
तो फ्रेंड ये ना वो लिंट मशीन है, ये जो उभार वगैरह नहीं आ जाते कपड़ों के ऊपर यदि किसी आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए है। हाँ लेने की तो जरूरत नहीं है, यही आ जाएंगे यार। नहीं काट रही है अपनी यार, ये काफी छोटे हैं तुम्हारे वाले ना, इसलिए नहीं कर रही। ये ना गर्म पानी डाल देते हैं, या गर्म पानी नहीं इसके पानी डाल दिया किसी कोई भी, तो ये इलेक्ट्रिक है, इसके ऊपर चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद इसके अंदर गर्म पानी रहता है तो हाथ वगैरह इसके अंदर। हाँ ये काफ़ी मज़े का है, और ये मुझे लगता है पिल्लो की तरह का है शायद, या वो जैसे नहीं हम कहते हैं हमारे इलाकों में टकोर करनी होती है, ये टकोर के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। साकिब ये क्या उठाया हुआ है? मुझे छोटे भी यार बच्चों के या ऑन करके देख ले, ये भी आई होंगे कौन, ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ऑन हो गया ये वाइब्रेट कर रहा है। साकिब ये लैब को समझ यहाँ क्या कर रहा है? ये ना मुझे एक ख्याल आया, तुमने वो ड्रामा देखा ब्रेकिंग बैड, उसमें ये होते हैं वाल्टर वाइट, वो एक जीनियस होते हैं साइंसदान, तो वो मैथ होता है और मैथ बनाना इलीगल है, अगर कोई उसकी तरह का कोई जीनियस घर पे मैथ बनाना चाहता है छोटे लेवल पे तो ये ले जाए घर पे बनाए किसी को जाके पता चला ना कोई। हाँ ये भी, हाँ ये भी है हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट फीमेल की तरह नहीं मतलब भाई को जो खूबसूरत बनाते हैं डेकोरेशन पीस जैसे, डेकोरेशन की तरह ये लेटर किसी है किसी को ये गिफ्ट भी कर सकता है, ये घर पे ना जैसे हम कुल होला वाला नहीं लड़का है कुल होला वाल लटका देते हैं, ये भी ये चाइनीज में लिखा हुआ है कुछ दिखाते हैं क्या बात है। इसकी प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ 370 यहाँ। हाँ यार ये अपना काम करें, कुछ भी लगाए यहाँ से ये दे और फिर चले, हाँ लगा फिर देख कैसी है। अच्छी है वाकी। हाँ वाकी साकिब ये तो मुझे लगता है कि हम आ गए हैं किसी वो लेडीज फ्लोर जैसे नहीं होता, फीमेल ब्यूटी फीमेल ज्वेलरी वगैरह इस फ्लोर पे। हाँ ये फर्स्ट फ्लोर पे है, इसमें हमारी क्या गलती है? चलो साहब फिर ये है कि भूख भी काफ़ी लगी हुई है, थक गया हूँ वैसे, तो बाहर चलते हैं वहाँ से कुछ खाने का लेते हैं खाते हैं फिर वापसी भी हॉस्पिटल के साथ। तो फ्रेंड यहाँ का व्यू देखे कितना प्यारा है, शाम हो गई है और हाँ सागे चलो यार थक गया मैं, चलो फिर फ्रेंड शाम होने को है और हम सुबह के निकले हुए हैं, तो थोड़ी सी ना भूख वगैरह और थकावट थी तो हमने कहा आइसक्रीम वगैरह ले लेते हैं ये खा लेते हैं और बाकी फिर कॉलेज जाकर देखेंगे क्या करना है। तो